हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं सिर्फ कलेक्शंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिल्मों के जो कलेक्शंस होते हैं उनमें क्या हेरफेर होता है या उनमें क्या गड़बड़ी होती है वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और ये थोड़ा सा चीज़ें आपको सोचने पर ही मजबूर करिए एट द एंड ऑफ द वीडियो कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है। हम अगर इंडिया का कलेक्शन देखते हैं, जैसे कोई फिल्म का कलेक्शन आ रहा है हिंदी फिल्मों का, तो हम कोशिश करते ज़्यादातर जो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट क्रिटिक्स हैं उनके ट्वीट को फॉलो करें, उनके फेसबुक पेज को फॉलो करें, तो हमें कलेक्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बॉक्स ऑफिस इंडिया को देखें वो ट्रेड फिगर्स हमेशा देते हैं, यानी कि जितना कलेक्शंस हुआ है उनके हिसाब से वो ट्रेड फिगर अपना एनालिटिक्स लगा के, जो भी लॉजिक लगा के कलेक्शंस देते हैं। और एक प्रोड्यूसर्स फिगर होता है जो हमें प्रोड्यूसर्स बताता है, जो फिल्म का निर्माता होता है वो कहता है कि जैसे बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि भैया आपकी फिल्म ने 4 करोड़ कमाए, तो प्रोड्यूसर अगर कहता है कि हमारी फिल्म ने 5 करोड़ कमाए उसी दिन, तो हमें प्रोड्यूसर्स की माननी पड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी है फिल्म तो उसी की है ना। तो इवन जो जितने भी वेबसाइट चलती है इंक्लूडिंग मैं भी, ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स फिगर ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया का फिगर फॉलो करें तो बॉक्स ऑफिस इंडिया वाले जो न्यूज़ जो कलेक्शंस बताते हैं वो 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, सारा नहीं, लेकिन बाकी जो प्रोड्यूसर्स फिगर्स है वो चलता रहता है, तकरीबन तकरीबन कभी 20 दिन, 25 दिन, महीना भी चलता है, तो हमें प्रोड्यूसर्स फिगर्स मिलता रहता है। अब यहाँ पे सवाल कई बार ये उठता है कि भाई तुम गलत फिगर बता रहे हो, वहाँ पे तो उसने यार 4 करोड़ बताया BOI ने, अब बता रहे 5 करोड़। तो यहाँ पे मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मैं प्रोड्यूसर्स फिगर ही फॉलो करता हूँ और ट्रेड फिगर्स बहुत ही कम। उसका रीज़न आप अगर पूछोगे तो उसका रीज़न यही है जो मैंने बताया, 30-35 दिन तक कन्फर्म में कलेक्शन मिलता रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ट्रेड फिगर कह रहा है कि यानी कि BOI सपोज कह रहा है कि है ये इस फिल्म में सिर्फ 4 करोड़ कमाए और प्रोड्यूसर्स फिगर कह रहा है कि 5 करोड़ कमाए, तो 1 करोड़ का क्या हुआ? क्या ट्रेड वाले गलत है या मतलब वही BOI वाले बॉक्स ऑफिस इंडिया वाले कि उन्हें 1 करोड़ कम पता चला, या फिर प्रोड्यूसर्स वाला गलत है जो फिल्म का प्रोड्यूसर वो 1 करोड़ ज्यादा बता के बता रहे कलेक्शंस? तो ये जो सवाल है ये कंस्टेंटली हर किसी के मन में होता है। आपको अगर सबसे खतरनाक केस देखते हैं तो रईस और काबिल जब रिलीज हुई थी तो ट्रेड फिगर वाले अलग ही कलेक्शंस बता रहे थे, प्रोड्यूसर्स फिगर वाले अलग कलेक्शंस बता रहे थे। कभी कभी प्रोड्यूसर्स फिगर्स के हिसाब से जो लाइफ टाइम कलेक्शंस हो चुका था, एक वक्त ये भी दिखा रहे 160-170 करोड़ रईस चली गई है, और वहीं ट्रेड फिगर वाले दिखा रहे कि 115 करोड़ इस पे ही अटकी है अभी तक। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे, इसलिए मैंने रईस और काबिल के कलेक्शन ही बताना बंद कर दिया क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं बोला कि यार आपको मुझे सही न्यूज़ बतानी है, और जब मुझे खुद सही न्यूज़ पता नहीं चलेगी तो मैं फेक न्यूज़ बता के किसी तरह से आपको बताओ, तो ये मेरे को भी नहीं अच्छा लगा, तो मैंने काफ़ी हद तक बताना बंद कर दिया था। तो यही अक्सर होता भी है, हमारे पास कोई ये एनालिटिक्स नहीं है, कोई हमारे पास खुद का एक डेटाबेस नहीं कि जो हमें पता चले कि कलेक्शंस आखिर कितना हुआ कैसा हुआ। जैसे अगर हम चाइना की बात करते हैं, मैं बाकी कंट्रीज के बारे में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाकी कंट्रीज को उतना नहीं पता बॉक्स ऑफिस सिस्टम कैसे काउंट करता है, चाइना का सिर्फ बता रहा हूँ। चाइना कैसे करता है, जैसे कि मैंने टिकट लिया, मैंने फिल्म का कोई टिकट लिया, सपोज मैंने चाइना में दंगल का टिकट लिया, तो मैंने दंगल का टिकट लिया, तो जैसे मैं टिकट लिया जो पैसे है वो जुड़ जाते हैं कलेक्शंस, अपडेट होता है कलेक्शंस, समझे? इस तरह से कलेक्शन चलता है, इसलिए उनके जो आंकड़े हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं आ रही। पहले वहाँ पे भी वही चीज़ होता जो इंडिया में होता था, ये कहता था कि भाई इतना कमाए, वो कहता था भाई इतना कमाए, लेकिन जब से थोड़ा सा एक ऑनलाइन चीज़ें आ गई, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आ गई कलेक्शन में, जो बोलते ना गलत चीज़ें नहीं हो रही है, पता ही चल रहा है कि कितने कलेक्शन आए, कितने पब्लिक आए, कितना क्या। इंडिया में भी जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब हमें भी तो जानना है ना भाई कि गोलमाल अगेन को देखने कितने करोड़ लोग पहुँचे, क्या हुआ है ना। तो ये सब जब तक चीज़ें खुल के नहीं आएगी तब तक पता नहीं चलेगा कि ये पैसों का आखिर होता क्या है, ये पैसे सही में कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, हमें क्या पता। क्योंकि हम तो हला कभी कभी हम देखते हैं कि यार वही उधर इतने कलेक्शन बता रहे, उधर इतने ज़्यादा कलेक्शन बता रहे, लेकिन जो बीच का कलेक्शन किधर गया? तुम 8 करोड़ बता रहे हो, 10 करोड़ बता रहे हो, भाई 2 करोड़ का क्या हुआ, कौन गलत है? तो ये चीज़ें इंडिया में भी लाने बहुत ज़रूरी है। इवन साउथ इंडिया में भी कई सारे जो फिल्में रिलीज होती हैं उनका भी कलेक्शन कुछ प्रॉपर पता नहीं चलता है। यही रीजन से मैं आपको बहुत कम कलेक्शन साउथ इंडिया के बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती सेम इसी तरह बॉलीवुड की। मतलब मैं दोष नहीं दे रहा हूँ साउथ इंडिया को, पूरा इंडिया का जो फिल्म इंडस्ट्री का वही हाल है।
मैं आप लोग कहते हैं पंजाबी फिल्म के कलेक्शन बताया करो, मुझे खुशी होगी बताने में। अभी अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त ने कहा भाई श्री श्री अकाल इंग्लैंड करके पंजाबी फिल्म का ट्रेलर है देख लो। ट्रेलर अच्छा लगा मुझे, फिल्म आएगी तो मुझे फिल्म देखने का मन करेगा, कलेक्शन बताने के मन करेगा, लेकिन मुझे कलेक्शन भी तो पता चलेंगे तब ना। और यहाँ पे एक और चीज मैं क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, ओवरसीज मार्केट का जो कलेक्शन होता है इंडिया के बाहर का, वो बहुत हद तक एस्टिमेटेड बताते, कंफर्म नहीं होता है। अगर आप बॉलीवुड हंगामा के भी रिपोर्ट्स देखो तो ये सुनने में आ रहा है कि वो लोग भी जो कलेक्शंस बताते वो एस्टिमेटेड कलेक्शंस बताते हैं। यानी कि सपोज कि प्रोड्यूसर ने कहा कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिए। अब यहाँ पे सपोज कोई वेबसाइट वाला ये देख रहा है, मैं अभी ज्यादा स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, ये देख रहा है कि इंडिया कलेक्शन तो आ चुका है नेट कलेक्शन, तो इंडिया के नेट कलेक्शन से वो ग्रॉस कलेक्शन का अंदाजा लगा लेगा, उसके बाद में ओवरसीज मार्केट का खुद के हिसाब से एस्टिमेट लगा कि हाँ ठीक है विदेशों में इस फिल्म ने इतना इतना कमाई की होगी, तो वो बता देते हैं। तो बहुत ज्यादा जो बाहर के कलेक्शन आते हैं बहुत ही क्लियर नहीं रहते, आप बहुत ज्यादा भरोसा उस पर नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर देते तो हर डेली अपडेट होता है ना, डेली अपडेट होता है कलेक्शन, क्योंकि डेली अपडेट नहीं होता है। क्योंकि कई बार यूएई वाले जो मेरे दोस्त है वो बोलते हैं यार वहाँ का कलेक्शन का प्रॉपर स्पेसिफिक बताओ, कभी यूएसए जो नॉर्थ अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया ये सब के कलेक्शन भी एग्जैक्ट नहीं पता चलते, कितने स्क्रीन काउंट है वो भी कभी कभी पता नहीं चलते, तो दिक्कत होती है। इंडिया के बाहर का कलेक्शन तो और हमें नहीं पता है, क्योंकि वहां पे हमारा कोई इंडिया का वो है ही नहीं, हम इंडिया के कलेक्शन हमारा प्रॉपर नहीं है तो बाहर के कलेक्शन से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ओवरसीज मार्केट के जो कलेक्शन आते हैं उस पर हम बहुत ही ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। ओवरसीज मार्केट में जैसे रेंट्रेक है, कॉम्सकोड है, ये सब है, ये कुछ ऐसे कंपनीज है जो कलेक्शंस बताती है, जैसे दंगली कलेक्शंस ज्यादा रेंट्रेक ने बताया था इंडिया के बाहर के, ऐसे कुछ हिंदी फिल्मों के वो बताते हैं रेंट्रेक या कॉम्सकोड, तो ये सब है जो कलेक्शन बताते हैं। जैसे हांगकॉन्ग में अभी दंगल कलेक्शन जो हुआ था हांगकॉन्ग में वो सब रेंट्रेक के थ्रू था, अगर आपने तरनारस के ट्वीट भी देखे होंगे तो। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यार क्या तरण आदर्श को ही पूरी बॉलीवुड की नॉलेज है कलेक्शंस की, किसी और को नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्हें उससे भी अच्छी नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जिनके पास कलेक्शंस के सही आंकड़े हैं और अच्छे आंकड़े हैं। मैंने एक चीज नोटिस की थी, रमेश बाला जब बाहुबली 2 का कलेक्शंस बता रहा था उसका कलेक्शन अलग आया था, तरण आदर्श जो कलेक्शन बता रहा था उसका कलेक्शन अलग आया था, ये आपने नोटिस किया होगा। इवन दंगल के बारे में भी जब चाइना में चल रही थी दंगल, तो आपने नोटिस किया होगा तरण आदर्श बहुत ही कम कलेक्शंस बता रहा था और रमेश बाला बहुत ज्यादा, और रमेश बाला आई थिंक सुबह 8 बजे कलेक्शन बता रहा था, तो तरण आदर्श बता रहा दोपहर में 11-12 बजे। तो होता है, चीजें अलग अलग होती है, अपने अपने ऊपर है कि हम किस खबर को या किस कलेक्शंस को लेके चलते हैं। और आप लोग अगर मुझसे पूछे कि यार मैं कौन सा कलेक्शन फॉलो करता हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तरण आदर्श का फॉलो करता हूँ, लेकिन 110% नहीं, मैं बाकी कलेक्शंस भी देखता हूँ वेबसाइट्स पे कहाँ है, कितने हैं, बाकी क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, उन सब के हिसाब से भी मैं कलेक्शंस कभी कभी देता हूँ। इसलिए कभी कभी आप बोलते हैं यार ये कलेक्शंस थोड़ा सा कम ज़्यादा तू बता रहा है, तो मैं उसी लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कभी मुझे लगता है नहीं यार ये ही कलेक्शन सही है। तो ये बहुत सारे जो कलेक्शंस का फंडा होता है वो एस्टिमेटेड वाला चीजें होता है, यानी कि किसी को भी ज्यादा तक कंफर्म कलेक्शंस का पता नहीं रहता। क्योंकि एक चीज, चलिए इधर मैं एक सवाल बढ़िया से आपसे पूछता हूँ, चलो अगर किसी बॉलीवुड प्रोड्यूसर में ये हिम्मत है तो बता के दिखाए कि हर एक दिन हर एक फिल्म का कलेक्शंस कितना हो रहा है, बता के दिखाए ना एक कलेक्शंस का। सपोज अभी गोलमाल लगेगा कलेक्शंस पूरा का पूरा लाइफ टाइम हो जाएगा 210 215 करोड़ जो भी होगा, उसका हर दिन का कलेक्शंस खुद बताए कि कितना हुआ है, कोई भी प्रोड्यूसर क्यों नहीं बताता है? क्योंकि भाई घपले होते कहीं ना कहीं, मैं स्पेसिफिक फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक जगह फिल्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन 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 डिस्ट्रीब्यू बताओ कलेक्शन ज्यादा किस तरह से पता चलते हैं, एग्जीबिटर फिल्म दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म देता है, प्रोड्यूसर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म देता है एग्जीबिटर को जो फिल्म दिखाता है। अब एग्जीबिटर को डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है भैया कितना फिल्म ने कमाया, तो एग्जीबिटर बताता है भैया इतना कमाया, तो डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रोड्यूसर्स को बताता है, तो प्रोड्यूसर्स वो आंकड़ा बताता है, तो इस तरह से फंडा चलता है। इसमें कुछ झोलझाल भी होते हैं, तो इसलिए हमें ऑनलाइन बॉलीवुड का जो कलेक्शन या बाकी फिल्म इंडस्ट्री के भी कलेक्शन करने पड़ेंगे, जिससे हम सभी की पता चले कि कलेक्शन आखिर कितना हो रहा है, तो भाई हमें 10 जगह डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया ये कलेक्शन ये बताया तो ये सही है तो ये सही है, हमें फिर एक ही जगह देखने की जरूरत होगी, जैसे चाइना में बॉक्स ऑफिस चलता है ऑनलाइन। तो ये चीज़ें आई थिंक आई होप आप समझ गए होंगे कि कलेक्शन बहुत ज़्यादा कन्फर्म भी नहीं होता है, एस्टिमेटेड होता है, मतलब लगभग लगभग वाला,
और इसी तरह से चलती है बॉलीवुड इंडस्ट्री फिलहाल। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बोले चलिए कितना ही, बाय।